हेलो एवरीवन, बात शुरू करते हैं एरेज पैरामीटर। ठीक है, सिंगल डायमेंशनल एरे के आपने काफी कॉन्सेप्ट पढ़ डाले। अब शुरू करते हैं आज एरेज पैरामीटर। तो एरेज पैरामीटर हम आपको एक प्रोग्राम के थ्रू समझाते हैं, ठीक है, उससे आपको जो है ज्यादा एरेज पैरामीटर समझ में आएगी। तो अब यहाँ पर देखिए क्या करते हैं एरेज पैरामीटर में, क्या पढ़ेंगे एरेज पैरामीटर। मतलब जिस तरीके से आप एक सिंगल वेरिएबल को एज अ पैरामीटर पास करते थे या मोर देन वन वेरिएबल्स आप एज अ पैरामीटर लेते थे किसी प्रोग्राम में, उसी तरीके से हम क्या करते हैं, हम एरे को भी पैरामीटराइज्ड एरे ले सकते हैं, एरे को भी पैरामीटर में पास कर सकते हैं। जैसे आपसे कहा गया कि राइट अ प्रोग्राम टू डिक्लेयर एन इंटीजर एरे, ठीक है, सिंगल डायमेंशनल इंटीजर एरे, ठीक है, और उसमें आपको कुछ वैल्यूज लेनी है। तो देखिए कैसे होगा एरेज पैरामीटर। सबसे पहले आपने क्लास क्लास सपोज फर्स्ट, फर्स्ट ये आपने क्लास बनाई। क्लास बनाने के बाद अब क्या बनाएंगे, फंक्शन पब्लिक स्टैटिक वॉइड। सपोज आपने फंक्शन का नेम लिखा कैर। अब एरे को पैरामीटर में किस तरीके से लेके इंटीजर एरे लेनी है, तो यहां आपने किया डेटा टाइप इंटीजर, ठीक है, और उसके बाद वॉट एवर इज द एरे नेम और ये सिंगल ब्रैकेट, ठीक है बेटा। तो ये जो एरे है ये कैसी हो गई, एरे एज पैरामीटर, ठीक है। अभी आपने क्या देखा, अभी आपने देखा कि आपने एरे डिक्लेयर किया, एरे डिक्लेयर करने के बाद आपने उसमें कुछ वैल्यूज दी, ठीक है, फिर आपने एरे इनिशियलाइजर देखा, ठीक है, कि असाइनमेंट स्टेटमेंट के थ्रू आप किस तरीके से एरे में वैल्यूज पास करते थे। आप सिंगल डायमेंशनल एरे में देखेंगे एरे एज पैरामीटर, मतलब जब आप एरे को पैरामीटर में पास करते हैं, ठीक है, पैरामीटर्स आपको पता है, ठीक, एरे एज पैरामीटर। फंक्शन पैरेंथेसिस के अंदर जो वेरिएबल पास किए जाते हैं व्हाइल डिक्लेयरिंग अ फंक्शन, जब आप फंक्शन डिक्लेयर करते हैं तो जब आप फंक्शन डिक्लेयर करते वक्त फंक्शन के पैरेंथेसिस में, ठीक है, जो वेरिएबल्स पास करते हैं वो क्या कहलाते हैं, पैरामीटर्स कहलाते हैं। उसी तरीके से आप एरे को भी पैरामीटर में पास कर सकते हैं। हमने पास किया इंटीजर एआर स्क्वायर ब्रैकेट, और ये जो हमने एरे डिक्लेयर करी है वो हमने किस में डिक्लेयर करी है, फंक्शन के पैरेंथेसिस में, ठीक है। तो ये कैसी एरे हो गई, पैरामीटराइज्ड एरे हो गई, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं, ठीक है, अब देखिए, अब सबसे पहले मैंने आपको बताया था लेंथ फंक्शन को यूज करने के लिए बताया था, ठीक है। तो लेंथ फंक्शन का यूज कहां पर होता है, लेंथ फंक्शन का यूज होता है जब आप एरे इनिशियलाइजर यूज करते हैं या असाइनमेंट स्टेटमेंट के थ्रू एरे में कुछ वैल्यूज पास करते हैं, कल आपने देखा लास्ट वीडियो में। अब इसके बाद जब आपने एरे को एज अ पैरामीटर लिया तो वहां पर भी आपको जो है किसकी जरूरत पड़ेगी, लेंथ फंक्शन को यूज करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो लेंथ फंक्शन को यूज करते हैं, सबसे पहले हमने क्या किया, इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया, क्योंकि आपको पता है कि जो लेंथ फंक्शन है उसका रिटर्न टाइप इंटीजर होता है। तो हमने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया लेंथ इक्वल्स टू, किस एरे की हमें लेंथ निकालनी है, ar.length, ठीक। तो यहां पर अब क्या हो गया कि हमने एरे की लेंथ कैलकुलेट कर ली है। लेंथ कैलकुलेट करने के बाद हमने क्या करना है, एक लूप शुरू करना है। सपोज इंटीजर i स्टार्ट्स विद 0, i इज लेस देन लेंथ i प्लस प्लस, ठीक, i प्लस प्लस। अब इसके बाद देखो यहां पर क्या होगा, अब इसके बाद देखिए यहां पर क्या करेंगे, यहां पर अब इस एरे की लेंथ कैलकुलेट हो चुकी है। अब सपोज इस एरे के एलिमेंट्स को अगर आपको प्रिंट कराना है, ठीक है, यूज करने के कॉन्टेक्स्ट में आपको बता रहा हूं कि अगर इसको प्रिंट कराना है तो आपने यहां स्टेटमेंट पास किया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और यहां पर आपने कर दिया ये, ठीक है। किस एरे के एलिमेंट्स को यूज करना है, AR एरे के एलिमेंट्स को यूज करना है। स्क्वायर ब्रैकेट में हमने i पास कर दिया, i हमारा काउंटर वेरिएबल है जिसको हमने 0 से इनिशियलाइज किया है। तो यहां पर क्या, आपके जो है इंडेक्स नंबर जो है वो चेंज होते रहेंगे, और जो करंट इंडेक्स नंबर यहां पर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होगा उस इंडेक्स नंबर की वैल्यू जो है वो प्रिंट हो जाएगी, ठीक। ये हमने बंद कर दिया अपना फॉर लूप, ये हमारा बंद हो गया फंक्शन, और ये बंद हो गई क्लास, ठीक है। ये क्या होगा, एंड ऑफ फॉर लूप, एंड ऑफ फंक्शन,
और ये हो गया एंड ऑफ क्लास। ठीक, अब देखिए ये जो हमने कॉन्सेप्ट यूज किया है, ये यूज किया है एरे एस पैरामीटर। ठीक है, तो ये जो है ये एरे कैसी है, पैरामीटराइज्ड, ये है पैरामीटर एरे। ठीक, अब देखिए क्या होगा, किस तरीके से जब आप एरे को पैरामीटर के तरीके लेते हैं तो ये किस तरीके से काम करेगा। देखिए क्या होगा, ये ब्लूजे में जब आप इस पर्टिकुलर फंक्शन फर्स्ट फंक्शन जब आप फंक्शन कैल को एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है, तो वहां पर देखिए बेटा क्या होगा कि इस तरीके से मेथड कॉल बॉक्स खुल करके आता है। ये जो बॉक्स खुल के आता है ये क्या कहलाता है, मेथड कॉल बॉक्स। क्या, इस बॉक्स को क्या बोलते हैं, मेथड कॉल बॉक्स। ये इस तरीके से एक बॉक्स खुल के आता है, आपने देखा होगा। आप देखिए यहां पर एक ये इस तरीके से टेक्स्ट बॉक्स होगा और यहां पर डेटा टाइप दिया होगा और ए आर जो भी आपके वेरिएबल का नेम है और स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, तो आपको ये पता चल जाएगा कि यहां पर पैरामीटराइज्ड एरे की बात हो रही है। अब ये एरे कैसी आपने डिक्लेयर करी है, इंटीजर टाइप की एरे डिक्लेयर करी है। तो बेटा देखो जब इसके एलिमेंट्स पास करेंगे तो हम क्या करेंगे, यहां पर एक कर्ली ब्रैकेट शुरू करेंगे। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट शुरू करेंगे ऐसे और एलिमेंट्स को पास करेंगे। सपोज एलिमेंट्स हमने पास किए 2, 4, 6, 8, 10, तो जितने भी एलिमेंट्स आप यहां पे पास कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, कर्ली ब्रैकेट के थ्रू उसको बंद कर दिया। तो अब आप यहां पर जितने भी एलिमेंट्स पास कर देंगे, आप देखो क्या होगा, मेमोरी में क्या हो जाएगा, इतने ही एलिमेंट्स की एक एरे डिक्लेयर हो जाएगी। यहां पर देखिए कितने एलिमेंट्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो जब आपने इस तरीके से यहां पर एलिमेंट्स पास किए, तो कल भी मैंने आपको बताया था कि जब आप एलिमेंट्स पास करते हैं तो पहला एलिमेंट क्या है, 2, फर्स्ट एलिमेंट 2 है, तो वो किस इंडेक्स नंबर पे जाके स्टोर होगा, 0th इंडेक्स नंबर पे, यानी कि यहां पे 2 स्टोर हो जाएगा। 4 सेकंड एलिमेंट है तो वो 1 इंडेक्स नंबर पे चला जाएगा। 6 थर्ड एलिमेंट है तो वो इंडेक्स नंबर 2 पे चला जाएगा। 8 फोर्थ है तो वो इंडेक्स नंबर 3 पे चला जाएगा और 10 फिफ्थ है तो वो इंडेक्स नंबर 4 पे जाके स्टोर हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट लाइन में जब आप आएंगे तो यहां पर देखिए हम आपको ड्राई रन के थ्रू आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से काम करेगा। ठीक है, मेथड कॉल बॉक्स को छोटा कर लिया, थोड़ा सा जगह बना लिया। अब देखिए यहां पर क्या होगा, सबसे पहले कि आपके पास वेरिएबल है लेंथ। ठीक, अब देखिए यहां पर क्या होगा, आपने यहां पर यूज किया है int len equals to ar dot length, तो जो हमारी array है ar इसकी length calculate हो जाएगी। ठीक है, तो जितने भी elements आपने pass किए होंगे तो वो number length को assign हो जाएगा। Suppose हमने यहाँ पे 5 element pass किए, तो यहाँ पर length की value क्या हो जाएगी, यहाँ पर length की value हो जाएगी 5। अब next line में जब आप आएंगे, जब compiler next line में पहुंचेगा, तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, एक integer type का variable declare हो जाएगा i, और वो किससे इनिशियलाइज हो जाएगा, 0 से। ठीक, लूप का कॉन्सेप्ट आपको पता है। अब इसके बाद कंट्रोल कहां जाएगा, टेस्ट एक्सप्रेशन, तो यहां पे लिखा हुआ है i इज लेस देन len। अच्छा, len की वैल्यू क्या है, 5, len की वैल्यू क्या है 5, व्हिच इज लेस देन द वैल्यू ऑफ i, राइट ना, i की वैल्यू क्या है, 0 है, तो 0 तो 5 से लेस है, तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी और कंट्रोल यहां पर आ जाएगा, यानी कि लूप की बॉडी के अंदर। जब कंट्रोल लूप की बॉडी के अंदर पहुंचा तो यहां पे क्या लिखा हुआ है, system.out.println ar of i। ठीक, अब देखो ar हमारी एरे का नाम है और स्क्वायर ब्रैकेट में हम क्या पास करते हैं, इंडेक्स नंबर पास करते हैं, क्या पास करते हैं, इंडेक्स नंबर पास करते हैं, तो इंडेक्स नंबर हमने वेरिएबल i के थ्रू पास किया है। ठीक, तो यहां पर i की करंट वैल्यू क्या है, 0 है, यानी कि किस इंडेक्स नंबर की बात हो रही है, 0th इंडेक्स नंबर की बात हो रही है, और हम प्रिंट कर आ रहे हैं तो 0th इंडेक्स नंबर का एलिमेंट क्या है, 0th इंडेक्स नंबर का एलिमेंट है 2, क्या है 2 है, तो 2 हमारा जो है वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक, अब इस लूप के अंदर, सिर्फ इस लूप की बॉडी के अंदर, यहां से यहां तक क्या है, बॉडी ऑफ द लूप, क्या है, बॉडी ऑफ लूप, या यू कैन से ब्लॉक ऑफ द लूप। अब इसके अंदर एक ही स्टेटमेंट प्रेजेंट है तो उसको एग्जीक्यूट करने के बाद
अकॉर्डिंग टू द कंस्ट्रक्ट ऑफ द लूप कंट्रोल कहां पहुंचेगा, कंट्रोल हमारा पहुंच जाएगा अपडेशन पे, तो हमारा काउंटर वेरिएबल जो है वो वन हो जाएगा, ठीक, वन से अपडेट कर जाएगा। इसके बाद फिर कंट्रोल कहां जाएगा, टेस्ट एक्सप्रेशन पे। आई इज लेस देन लेन, आई की वैल्यू वन है, विच इज लेस देन फाइव, कंडीशन टू, कंट्रोल अंदर, जैसे कंट्रोल अंदर आएगा तो ए आर ऑफ आई है ना, अब एरे है ए आर और आई की वैल्यू क्या है वन, तो अब किस इंडेक्स नंबर की बात हो रही है, इंडेक्स नंबर वन की बात हो रही है, तो इंडेक्स नंबर वन का एलिमेंट क्या है फोर, तो इंडेक्स नंबर वन का एलिमेंट फोर प्रिंट हो गया। फिर कंट्रोल ऊपर जाएगा, आई अपडेट होगा, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी टू हो जाएगी, ठीक। फिर टेस्ट एक्सप्रेशन आई इज लेस देन लेन, कंडीशन टू, कंट्रोल अंदर, अब यहां पर क्या होगा ए आर ऑफ आई, ए आर ऑफ आई, तो अब किस इंडेक्स नंबर की बात हो रही है, इंडेक्स नंबर टू की बात हो रही है, तो इंडेक्स नंबर टू का एलिमेंट क्या है सिक्स, तो इंडेक्स नंबर टू का एलिमेंट सिक्स प्रिंट हो गया। फिर ऊपर गया, आई अपडेट हुआ, आई की वैल्यू क्या हो गई थ्री हो गई, ठीक। फिर से टेस्ट कंडीशन टेस्ट होगी, कंट्रोल टू हो जाएगी, कंट्रोल अंदर आ जाएगा, ए आर ऑफ आई, अब किस इंडेक्स की बात हो रही है, थर्ड इंडेक्स की बात हो रही है, थर्ड इंडेक्स का एलिमेंट क्या है एट, ठीक है, थर्ड इंडेक्स का एलिमेंट है एट, तो अब एट प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या होगा, कंट्रोल ऊपर जाएगा, आई को अपडेट करेगा, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी फोर, तो अब देखो जब आई की वैल्यू फोर हो गई, फिर से आई इज लेस देन लेन, कंडीशन ट्रू, कंट्रोल फिर से अंदर आ गया, जब कंट्रोल अंदर आएगा तो ए आर ऑफ आई, अब किस इंडेक्स की बात हो रही है, इंडेक्स नंबर फोर की बात हो रही है, तो उसका एलिमेंट क्या है इंडेक्स नंबर फोर का टेन, वो प्रिंट हो गया। फिर ऊपर जाएगा, आई को अपडेट करेगा, आई की वैल्यू हो जाएगी फाइव, ठीक है, यहां पर लिखा हुआ आई इज लेस देन लेन, अब तक आपको ये बात समझ में आ रही होगी, ठीक है, आई इज लेस देन लेन मतलब ये जो एक्सप्रेशन लगी हुई है, ये जो एक्सप्रेशन लगी है कब तक ट्रू है, जब तक आई की वैल्यू लेन से लेस है, लेकिन अब आई की वैल्यू क्या हो चुकी है फाइव, और लेन की वैल्यू भी क्या है फाइव, अब ये दोनों वैल्यू सेम हो गई, मतलब ये कंडीशन क्या हो जाएगी फॉल्स, और कंट्रोल कहां चला जाएगा, आउट ऑफ द बॉडी ऑफ द लूप, कंट्रोल कहां पहुंचेगा, आउट ऑफ द बॉडी ऑफ द लूप, कंट्रोल मतलब यहां से निकल के यहां पर लूप की बॉडी के बाहर, ठीक। तो ये कॉन्सेप्ट आपने क्या देखा, एरे एस पैरामीटर, मतलब आप एरे भी पैरामीटराइज्ड एरे भी आप ले सकते हैं, मतलब एरे को भी हम पैरामीटर की तरीके यूज कर सकते हैं, जैसे हम नॉर्मल वेरिएबल्स को यूज करते हैं पैरामीटर्स की तरह, पैरामीटर्स में उसी तरीके से एरे को भी पैरामीटर्स के तरह यूज किया जा सकता है। तो ये अभी हमने आपको एक बताया सिंगल, जैसे आपने आपको इंटीजर लेके बताया, अब इसमें किसी भी तरह की वैल्यूज हो सकती हैं, ठीक है, जैसे आपकी कैरेक्टर एरे भी हो सकती है, आपकी स्ट्रिंग एरे भी हो सकती है, डबल एरे भी हो सकती है, फ्लोट भी हो सकती है, बाइट भी हो सकती है, शॉर्ट भी हो सकती है, लॉन्ग, तो जिस भी टाइप की आप एरे डिक्लेयर करेंगे उसी टाइप के एलिमेंट्स यहां पर पास किए जाएंगे। देखिए न्यूमेरिक एलिमेंट्स अगर होंगे, ठीक है, न्यूमेरिक एलिमेंट्स का मतलब क्या हो गया, बाइट शॉर्ट इंट लॉन्ग फ्लोट डबल, बाइट शॉर्ट इंट लॉन्ग फ्लोट डबल, आपको पता है ये जो छह डेटा टाइप है ये किस तरह की वैल्यू एक्सेप्ट करते हैं, मतलब न्यूमेरिक वैल्यू एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, तो जब आप इन छह में से किसी को यूज करेंगे तो जब आप यहां पर वैल्यूज पास करेंगे तो सिंपल आप डायरेक्टली वैल्यूज पास कर देंगे और कॉमास के थ्रू उनको क्या कर देंगे, सेपरेट कर देंगे, ठीक। लेकिन यहीं पर जब आप क्या करेंगे, जब आप कैरेक्टर टाइप की एरे होगी या आपकी एरे स्ट्रिंग टाइप की होगी उस तरह की वैल्यूज जब आप पास करेंगे, तो अगर कैरेक्टर वैल्यूज है, ठीक है, तो उसको आप कैसे पास करेंगे, सिंगल कोट में पास करेंगे, और अगर आपकी स्ट्रिंग वैल्यूज है तो उनको आप कैसे पास करेंगे, डबल कोट्स में पास करेंगे। अब इस एग्जांपल की बात हम वो भी देखते हैं, ठीक है, सो अभी आपने देखा, मैंने आपको बताया, ठीक है, कि इंटीजर टाइप की एरे को कैसे लेंगे, या न्यूमेरिक एरे होगी तो पैरामीटराइज्ड, तो उसके जो है एलिमेंट्स को हम किस तरीके से एक्सेप्ट करेंगे। अब यहीं पर फॉर एग्जांपल हम इसको चेंज कर देते हैं, हम एक सपोज एरे ले लेते हैं जो कि जिसका टाइप है फ्लोट, फ्लोट है, ठीक है। अब फ्लोट डेटा टाइप आपको पता है कि रियल नंबर को स्टोर करता है, रियल नंबर्स मतलब जो आपके डेसिमल में होते हैं, ठीक है बेटा, इंटीजर बाइट शॉर्ट जो आपके ये चार डेटा टाइप हैं, बाइट
शॉर्ट, इंट और लॉन्ग। ठीक, ये जो चार डेटा टाइप है और दो डेटा टाइप आपके पास, ये है फ्लोट और ये डबल। बेटा ये जो सारे छह डेटा टाइप्स हैं, ये किस तरह की वैल्यू को एक्सेप्ट करते हैं? न्यूमेरिक वैल्यू को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, ये बात आपने पढ़ रखी, न्यूमेरिक वैल्यू को एक्सेप्ट करते हैं। और न्यूमेरिक वैल्यू एक्सेप्ट करने के साथ थोड़ा सा इनमें डिफरेंस है कि ये जो चार है, चार बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, ठीक है, ये किस तरह की वैल्यू को एक्सेप्ट करते हैं? इंटीजर, इंटीजर वैल्यूज को। ठीक है, इंटीजर वैल्यूज आपको पता है जिनमें कोई भी डेसिमल प्रेजेंट, डेसिमल वैल्यू प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक, और ये जो है ये किस तरह की वैल्यू को लेते हैं? रियल। इसमें क्या होता है कि इसमें डेसिमल वैल्यूज प्रेजेंट होती हैं। तो अगर आप इसमें से कोई यूज कर रहे हैं बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, ठीक, तो वो जो वैल्यूज होंगी वो इस तरीके से पास की जाएंगी, मतलब उन वैल्यूज में कोई भी डेसिमल प्लेस नहीं होगी। ठीक है, तो वो जैसे मैंने ये पास कर दिया 2, 4, 6, 8, इस तरीके से आप पास करते चले जाएंगे, चाहे आप बाइट यूज करें, चाहे आप शॉर्ट यूज करें, चाहे आप इंट यूज करें, चाहे आप लॉन्ग यूज करें। लेकिन देखिए, जब हमने यहां पर अपनी एरे का टाइप क्या कर दिया, फ्लोट, तो देखो बेटा क्या चेंजेस होंगे। सबसे पहले तो यहां डेटा टाइप चेंज हो जाएगा, इंटीजर से ये क्या हो जाएगा, फ्लोट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्लोट, फ्लोट एरे, जो एरे का टाइप है वो किस टाइप का हो गया? फ्लोट। ठीक, अब देखो यहां पर जब आप वैल्यूज पास करेंगे मेथड कॉल बॉक्स में, तो देखिए ये आपका कर्ली ब्रैकेट शुरू होगा। सपोज जो भी वैल्यूज आपको पास करनी है, आपने पास किया 7.5, 3.20, 7.72, 3.20, जो भी वैल्यूज आपने पास करी। ठीक, तो यहां पर देखिए हमने तीन वैल्यूज पास कर दी हैं। एक वैल्यू है हमारी 7.5, एक है 3.20 और एक है 72.302। ठीक है, तो अब यहां पर क्या होगा कि तीन एलिमेंट की एरे डिक्लेयर हो जाएगी। ठीक है, मेमोरी में जो एलिमेंट है, जो एरे है, वो कितने एलिमेंट की होगी? तीन एलिमेंट की। ठीक है, आप देखो यहां पर सबसे पहली वैल्यू क्या है? 7.5, तो वो 0th इंडेक्स नंबर में जाके स्टोर हो जाएगी। दूसरी वैल्यू क्या है? 3.20, तो वो कहां चली जाएगी? 3.20 इसमें आ जाएगी, इंडेक्स नंबर 1 पे। जो तीसरी वैल्यू है वो क्या है? 72.320, तो 72.320 वो इस वाले इंडेक्स नंबर में जाके स्टोर हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर हमने कितने एलिमेंट पास किए? यहां पर हमने पास किए 3 एलिमेंट्स। ठीक, तो अब यहां पर बेटा लेन की वैल्यू क्या हो जाएगी? अब लेन की वैल्यू चेंज हो जाएगी और वो क्या हो जाएगी? 3। ठीक है, तो जितने भी एलिमेंट्स आप इसके अंदर पास करेंगे, वही आपकी एरे की लेंथ बन जाएगी। फिर से मैं आपको एक बार बता दूं कि लेंथ ऑफ द एरे क्या होती है? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द एरे। अब यहां पर देखिए बात होगी, मैंने आपको बता दिया कि बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, क्या बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट और डबल, अगर वो वैल्यूज होंगी तो उनको आप ऐसे डायरेक्टली पास कर देंगे। ठीक है, अच्छा, डायरेक्टली कॉन्सेप्ट के तरीके पास कर देंगे। अब इसके बाद देखो थोड़ा सा चेंज करते हैं, वो यहां पे देखिए, और वो क्या है कि अब हम क्या करते हैं कि अपनी एरे का टाइप चेंज करते हैं, उसको न्यूमेरिक टाइप से हटाते हैं। ठीक है, और उसको कैरेक्टर या स्ट्रिंग में लेके आते हैं। ठीक है, किसमें लेके आते हैं? कैरेक्टर या स्ट्रिंग। अब देखिए क्या होगा। ठीक, सपोज हमारा फंक्शन वही बना हुआ है कैर, हमने एरे डिक्लेयर करी कैर, सपोज ch, और ये एक स्क्वायर ब्रैकेट मतलब सिंगल डायमेंशनल एरे। ठीक, अब यहां पर एरे का टाइप क्या है? कैर। किस टाइप की एरे है? कैरेक्टर टाइप की एरे। ठीक है, और एरे का नाम क्या है? ch। ठीक, अब देखिए बेटा सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी एरे होगी इसकी लेंथ कैलकुलेट करेंगे। तो लेंथ कैलकुलेट करने के लिए इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल लिया, सपोज l इक्वल्स टू, किस एरे की लेंथ कैलकुलेट करनी है? ch की। तो क्या हो जाएगा? ch डॉट लेंथ, l-e-n-g-t-h, लेंथ। ठीक है, इसकी लेंथ कैलकुलेट हो गई।
अब लेंथ कैलकुलेट होने के बाद सेम सपोज इन जो भी एरे के जो भी एलिमेंट्स हैं उन्हें अभी फिलहाल के लिए हमें सिर्फ क्या करना है, प्रिंट करना है, ठीक है। तो हमने यहां पर एक लूप लगाया फॉर int i starts with 0, ठीक है, i is less than l and i plus plus, हो गया। चलिए अब इसके बाद देखिए क्या होगा, इन एलिमेंट्स को प्रिंट करना है तो प्रिंट फंक्शन को यूज करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और यहां पर हमने डाल दिया ch और स्क्वायर ब्रैकेट में i, जो भी हमारे लूप का काउंटर वेरिएबल होगा, i j k l m a b c d वॉट एवर आपने जो भी यूज किया है वो यहां पर पास कर दिया जाएगा, ठीक। ये हमारा क्या बंद हुआ, लूप, ये फंक्शन और ये क्लास। यहां से यहां तक किसकी बॉडी है, बॉडी ऑफ द लूप। ये किसकी बॉडी है, ये फंक्शन की बॉडी है, और ये किसकी बॉडी है, क्लास की बॉडी है, ठीक। ये बंद हो गया। आप चलिए देखिए इसको देखते हैं कैसे। आप देखिए बेटा क्या होगा कि जब इस तरीके से हुआ तो सबसे पहले आप देखिए क्या होगा, मेथड कॉल बॉक्स खुलेगा ऐसे करके। सबसे पहले क्या खुलेगा, मेथड कॉल बॉक्स। मेथड कॉल बॉक्स बेटा जब खुलेगा तो उसमें एक ये टेक्स्ट बॉक्स प्रेजेंट होगा इस तरीके से, ठीक है। सपोज ये टेक्स्ट बॉक्स प्रेजेंट है, ठीक। ये बॉक्स कौन सा है, मेथड कॉल बॉक्स, ठीक। ये टेक्स्ट बॉक्स है, यहां पे क्या लिखा होगा, कैर आपकी एरे का नेम और एक सिंगल स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक। इससे आपको पता चल जाएगा कि जो आपकी एरे है उसका टाइप क्या है, कैरेक्टर है, ठीक है। इससे आपको क्या पता चलेगा, वैल्यूज पास करते वक्त कि जो भी एरे है वो किस टाइप के है, कैरेक्टर टाइप की है, और एरे का नेम क्या है, सीएच। अब देखिए बेटा जब आपको कैरेक्टर्स पास कर रहे हैं, जब यहां पर आपको कैरेक्टर्स पास करने हैं तो देखिए आप क्या करेंगे, आप पहले तो सेम वैसे ही एक कर्ली ब्रैकेट शुरू कर दिया, ठीक। अच्छा न्यूमेरिक वैल्यूज पास होती तो डायरेक्टली पास कर देते, कैरेक्टर्स हैं तो कैरेक्टर्स को कॉन्स्टेंट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, उनको सिंगल स्क्वायर ब्रैकेट में पास, सिंगल कर्ली ब्रेस में, मतलब सॉरी सिंगल कोट्स में पास करते हैं, ठीक है। कैरेक्टर्स को कॉन्स्टेंट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, उन्हें सिंगल कोट्स में पास किया जाता है। देखिए सिंगल कोट में सपोज हमने पास कर दिया ए, ये हमारा पहला एलिमेंट हो गया, सिंगल कर्ली ब्रैकेट के अंदर अंदर सॉरी हमने सिंगल कोट के अंदर क्या पास किया, ए, ठीक है। तो ये हमारा पहला एलिमेंट हो गया, और देखिए बेटा ये कॉमा लगाया और सेपरेट कर दिया। अब दूसरा एलिमेंट सपोज पास किया ई, ये हमारा सेकेंड एलिमेंट हो गया, फिर कॉमा लगाया और सिंगल कोट्स के अंदर पास कर दिया सपोज ए ई आई, फिर कॉमा के थ्रू सेपरेट सपोज यहां पास कर दिया ओ, फिर कॉमा के थ्रू सेपरेट यू पास कर दिया, फिर सिंगल कोट्स में उसको बंद कर दिया, और ये क्या बंद कर दिया, कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। तो जो कैरेक्टर टाइप की एरे है सी एच, उसके एलिमेंट्स यहां पर पास हो गए हैं, अब उसके एलिमेंट्स क्या है, ए ई आई ओ यू, ठीक। अब देखो काम कैसे करेगा, काम ऐसे करेगा कि इसके बाद जब कंट्रोल नेक्स्ट लाइन में जाएगा तो यहां पर देखो बेटा क्या होगा, अब जैसे अब ये आपने एलिमेंट्स पास कर दिए तो आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी कि क्या होगा, मेमोरी में एक जितने भी एलिमेंट आप जब तक एलिमेंट पास करते रहेंगे तब तक जो है मेमोरी में स्पेस ऑक्यूपाई होता रहेगा, और जैसे ही आप ये कर्ली ब्रैकेट बंद कर देंगे वैसे स्पेस ऑक्यूपाई होना बंद हो जाएगा। अब कितने एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे 5 एलिमेंट हैं, सिंपल सी बात, इंडेक्सिंग 0 1 2 3 4, आपको पता है जो पहला एलिमेंट है वो 0th इंडेक्स नंबर पे जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा ए, जो दूसरा एलिमेंट है वो सेकेंड इंडेक्स नंबर पे जाएगा, जो तीसरा एलिमेंट है वो थर्ड इंडेक्स नंबर पे, इंडेक्स नंबर 2 पे जाएगा, जो चौथा एलिमेंट है वो इंडेक्स नंबर 3 पे जाएगा, और जो पांचवा इंडेक्स जो एलिमेंट है वो इंडेक्स नंबर 4 पे चला जाएगा, ठीक है। आप इन एलिमेंट्स को, ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन में जब आएंगे तो बेटा क्या होगा, ये तो मेमोरी का स्ट्रक्चर बता दिया कैसे जनरेट होगा। अब इसके बाद देखिए जब नेक्स्ट लाइन में कंट्रोल आएगा तो यहाँ पे क्या होगा कि एरे की लेंथ कैलकुलेट हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ये हम आपको ड्राई रन बना के दिखा रहे हैं, क्या बना के दिखा रहे हैं, ड्राई रन,
ड्राई रन, प्रोग्राम का ड्राई रन, मैनुअल एग्जीक्यूशन कहते हैं इसको। ठीक है, देखिए कैसे होगा। अब यहां पर देखो बेटा क्या होगा कि सबसे पहले एरे की लेंथ कैलकुलेट हो जाएगी। तो मैंने आपको बताया लेंथ का मतलब क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द एरे। तो यहां पर वेरिएबल आपने ले रखा है एल, जो वेरिएबल एल ले रखा है तो किस एरे की लेंथ कैलकुलेट होगी, सी एच की। तो सी एच में कितने एलिमेंट्स है, फाइव एलिमेंट्स है, तो एल की वैल्यू क्या बन जाएगी, फाइव। ठीक, नेक्स्ट लाइन में आए एक काउंटर वेरिएबल डिक्लेयर हुआ आई, और बेटा वो कहां से इनिशियलाइज हो जाएगा, जीरो से। हमने i की इनिशियल वैल्यू क्या रखी है, जीरो, मतलब i को किससे इनिशियलाइज किया है, जीरो से। तो i की इनिशियल वैल्यू क्या बन जाएगी, जीरो बन जाएगी। ठीक है, अब देखिए अकॉर्डिंग टू द कंस्ट्रक्ट ऑफ द लूप, इनिशियलाइजेशन के बाद कंट्रोल कहां जाता है, टेस्ट एक्सप्रेशन पे। यहां पे लिखा हुआ है i इज लेस देन लेंथ, पिछले एग्जांपल में भी हम आपको समझा चुके हैं, फिर से एक बार देख लीजिए, i इज लेस देन लेंथ कंडीशन टेस्ट ट्रू, कंट्रोल अंदर आ गया बिकॉज i की वैल्यू जीरो है, l की वैल्यू फाइव है, तो कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू, कंट्रोल अंदर आ जाएगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ch ऑफ i। ठीक, i की करंट वैल्यू है जीरो, यानी कि जीरोथ इंडेक्स नंबर का एलिमेंट क्या है, a। ये क्या है, इंडेक्स नंबर, और ये क्या है, एलिमेंट। तो इसका एलिमेंट क्या है, a, तो वो प्रिंट हो गया। फिर ऊपर जाएगा, आपको पता है कॉन्सेप्ट, i अपडेट होगा, i की वैल्यू 1 हो गई, कंडीशन टेस्ट ट्रू, कंट्रोल अंदर। ठीक है, तो अब यहां पर क्या होगा कि इंडेक्स नंबर वन का एलिमेंट क्या है, ई, तो वो ई प्रिंट हो गया। फिर कंट्रोल ऊपर जाएगा, आई अपडेट करेगा, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, टू, टू इंडेक्स नंबर का एलिमेंट क्या है, आई, वो प्रिंट हो गया। फिर ऊपर जाएगा कंट्रोल, आई अपडेट होगा, आई की वैल्यू हो जाएगी थ्री। थर्ड इंडेक्स नंबर का एलिमेंट क्या है, जीरो, ओ, वो प्रिंट हो गया। फिर उसके बाद कंट्रोल ऊपर जाएगा, आई अपडेट होगा, आई की वैल्यू हो जाएगी फोर। फोर्थ इंडेक्स नंबर का एलिमेंट क्या है, यू, वो प्रिंट हो गया। ठीक है, फिर कंट्रोल ऊपर जाएगा, आई अपडेट होगा, आई की वैल्यू हो जाएगी 5। जैसे ही आई की वैल्यू 5 हो जाएगी, आई इज लेस देन लेन, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और कंट्रोल कहां चला जाएगा, आउट ऑफ द बॉडी ऑफ द लूप, यानी आपका लूप टर्मिनेट हो जाएगा, कंट्रोल आपका यहां पहुंच जाएगा। ठीक, तो ये आपने देखा कि अगर आपकी एरे कैरेक्टर टाइप की है तो किस तरीके से आपको एलिमेंट उसमें पास करने। ठीक, न्यूमेरिक देख लिया आपने, कैरेक्टर देख लिया, अब देखते हैं यहां पर चेंज कर देते हैं। अगर एरे हमारी स्ट्रिंग है, S T R I N G, स्ट्रिंग टाइप की है, कौन सा डेटा टाइप यूज किया हमने, स्ट्रिंग, कौन सा डेटा टाइप यूज किया है, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग टाइप का यूज किया है। अब यहां पर देखो, फिर जब मेथड कॉल बॉक्स आएगा तब आप कैसे वैल्यूज पास करेंगे। सपोज ये बन गया, यहां पे लिखा होगा स्ट्रिंग, सपोज सी एच, और ये सिंगल स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक, आप देखो इसमें वैल्यूज कैसे पास करना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, सिंपल है, सबसे पहले तो आपका वही कर्ली ब्रैकेट शुरू होगा, बिना कर्ली ब्रैकेट के नहीं पास करेंगे, सबसे पहले आपका ही कर्ली ब्रैकेट शुरू हो गया। ठीक है, अब देखो इसके बाद बेटा आप क्या करोगे, अब इसके बाद बेटा आप डबल कोट्स के अंदर स्ट्रिंग वैल्यू किसमें पास करते हैं, डबल कोट्स में। ठीक है, जब स्ट्रिंग को कॉन्स्टेंट में कन्वर्ट करते हैं, सपोज आपने यहाँ पे पास कर दिया आर ए एम राम। ठीक है, फिर ये आपका डबल कोट बंद हो गया। ठीक है, डबल कोट बंद हो गया, फिर आपने कॉमा के थ्रू इस वैल्यू को सेपरेट किया, फिर आपने यहां पे सपोज पास कर दिया श्याम। ठीक है, फिर आपने इसको बंद कर दिया और कॉमा के थ्रू फिर आपने सेपरेट कर दिया, फिर से डबल कोट्स में आपने पास किया सपोज केपी, और फिर आपने इसको डबल कोट्स में बंद कर दिया। तो ठीक है, आपको पहले से ही पता है कि स्ट्रिंग्स को जब एज अ कॉन्स्टेंट कन्वर्ट करते हैं, जब स्ट्रिंग को कॉन्स्टेंट के तरह से पास करते हैं, तो उसको किस में पास करते हैं, डबल कोट्स में पास करते हैं, तो इस तरीके से पास करेंगे। अब देखो बेटा यहां पर क्या होगा, अब यहां पर हमने तीन वैल्यूज पास करी है, एक, दो, तीन। ठीक है, तो सबसे पहली बात, एरे की लेंथ क्या हो जाएगी, थ्री हो जाएगी, एरे की लेंथ हो जाएगी थ्री। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहां पर, अब टी है तो जीरो टू टू हो जाएगा। आप देखो एलिमेंट्स, अब ये एरे कैसी है, स्ट्रिंग टाइप की एरे, इस एरे का टाइप क्या हो गया, स्ट्रिंग हो गया। तो यहां पर राम जो फर्स्ट वैल्यू है वो जीरो इंडेक्स नंबर पर, श्याम वो इंडेक्स नंबर वन पर, और केपी इंडेक्स नंबर टू पे। फिर जब इसकी लेंथ कैलकुलेट होगी तो थ्री हो गई है। जब ये वैल्यूज प्रिंट होंगी तो देखिए कैसे प्रिंट होगी, यहां पे राम आ जाएगा। जब I की वैल्यू 1 होगी तो 1 इंडेक्स नंबर की वैल्यू क्या है, श्याम, तो श्याम प्रिंट हो जाएगा।
जब आई की वैल्यू अपडेट होके क्या हो जाएगी, जब आई की वैल्यू अपडेट होके 2 हो जाएगी, तब 2 इंडेक्स नंबर की वैल्यू क्या है, केपी 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 प्रिंट हो जाएगा, फिर आई अपडेट होगा 3 हो जाएगा। तो जैसे ही आई 3 होगा तो वैसे ही ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स, और ये आपका लूप टर्मिनेट कर जाएगा। ठीक है, तो बेटा ये कॉन्सेप्ट क्या था, एरे एस पैरामीटर। क्या पढ़ा आपने, एरे एस पैरामीटर, पैरामीटराइज्ड एरे। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, ना समझ में आया तो इसको एक दो बार देखिएगा, और अगर तब भी आपको नहीं समझ में आता है तो कमेंट में आप लिख के भेजिए। ठीक है, मैं आपको और कोशिश करूंगा कि और किसी तरीके से आपको इसको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, सो अब मैंने आपको बताया था, इसके बाद हम प्रोग्राम के सेशन शुरू करेंगे। ठीक है, पहले हम कुछ प्रोग्राम्स करेंगे सिंगल डायमेंशनल एरे के, उसके बाद हम डबल डायमेंशनल एरे की तरफ स्विच करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम मैंने पहले आपको बताया था कि एक एक प्रोग्राम का सेशन मैं बनाऊंगा। ठीक है, छोटे छोटे सेशन होंगे, उनको आप देखेंगे, एक एक प्रोग्राम को मैं समझाऊंगा किस तरीके से चलते हैं। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट।